देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या ग्रामीण स्तर के चुनाव हो, सबके घोषणा पत्र में हर तरह की योजनाएं, हर वर्ग के लिए योजनाओं के नाम होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं पे भी एकल महिला के लिए किसी भी तरह की कोई योजनाएं नहीं होती हैं। विद्या पेंशन, विधवा पेंशन तो होती हैं, लेकिन अगर एकल महिला की योजनाओं की बात करें तो कहीं पे भी नहीं है। जबकि एकल महिला का समाज में किस तरह से जीना मुश्किल होता है, अगर महिला एकल है तो वो बच्चालन है, समाज का जो नज़रिया उनके प्रति होता है वो बहुत बुरा होता है, बहुत ख़राब औरतों में नाम आता है, तरह तरह के ताने उनको सुनने पड़ते हैं। ऐसे में जब हमने चित्रकूट ज़िले में कुछ एकल महिलाओं से बात की तो उनका यही कहना था कि सरकार अगर एकल महिला के लिए एक मुश्त रकम या कोई ऐसी योजना दे जिससे वो आत्मनिर्भर हो पाएँ और समाज में जी सकें, क्योंकि अगर एकल महिला बाहर भी निकल के काम करती है तो उसे बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर वो मेहनत मजदूरी करके भी आ रही है तो वो गलत ही करके कुछ आई है, तभी उसके पास पैसा आया है, तभी वो कुछ खरीद पा रही है, इस तरह की बातों का सामना एकल महिलाओं को हमेशा करना होता है। एकल महिलाओं के लिए समाज का क्या नज़रिया होता है? एकल महिला होना लोहे के चने चने के बराबर होता है, जैसे तो बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं, किसी से बोलो तो बस ऐब लग जाता है कि इससे इसका चक्कर है, या अकेली गई तो वो तो घूमती है, वो तो आवारा है, अपने पति को छोड़ के बैठी है, या पति नहीं शादी नहीं कर रही, ज़रूर किसी से कोई संबंध होगा, कैसे काम चलाती होगी, ऐसे तरह तमाम तरीके के ताने सुनने को आते हैं। तो एकल औरत का रहना समाज में बहुत बड़ी एक मुसीबत है तरीके से, पर जो अपना मुकाम हासिल कर ली हैं आज वो एक तरीके से मिसाल बनी हुई हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तो ये है, लेकिन समाज गंदी नज़र से देखता है एकल महिला को। कितने परसेंट एकल महिलाएं ऐसी होती होंगी जो संघर्ष करके आगे बढ़ पाई हैं? बहुत खींच के अगर हम 100 में देखेंगे तो 15-20 महिलाएँ जो आगे बढ़ पाई हैं, बाकी तो या तो समाज की बुराई में घुस के रह गई हैं, या तो दूसरी शादी कर ली है, या तो फिर बस अपने भाइयों की और परिवार की गुलामी करके रह गई हैं और अपने आप को बचाने के लिए जो है बस उस समाज के ताने सुन रही हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बन पाई हैं। क्या एकल महिलाओं के लिए कुछ सरकारी लाभ मिलता है? नहीं, हमारे लिए कोई लाभ नहीं है, हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बना है, बनवाए थे तो वो भी कट गया है, कोई लाभ नहीं मिलता है। क्या क्या करके आप अपना घर चला लेते हैं? नरेगा में काम करते हैं, जहाँ काम लगता है वहाँ काम करते हैं। क्या अकेले महिला रह नहीं सकती है? अगर वो रह सकती है, उसका खुद का अगर जज्बा हो तो रह सकती है, हम भी रह सकते हैं, लेकिन अगर लोग यही कहेंगे कि अकेली कब तक रहोगी, अभी बच्चे नहीं हैं, तो ज़रूरी है कि समाज के मगर रहना है तो शादी करके रहो, तो बच्चे हो जाएंगे, आगे से पीढ़ी चलेगी, नहीं अकेले कब तक जियोगी, बस यही कहते हैं। अगर एकल महिलाओं के लिए सरकार कोई योजना चलाती है उससे कितना औरत आत्मनिर्भर हो सकती है? अगर एक बार के लिए अगर चलाते हैं, सरकार चलाती है, तो उसके लिए महिलाएं बहुत खुश होंगी कि मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा किया है सरकार, जैसे विधवा पेंशन बनी है तो विधवाओं के लिए एक आत्मबल मजबूत कर दिया है सरकार की, मतलब ये बहुत अच्छा बात है, कोई दे चाहे ना दे, हमारा सरकार हमको देता है, कोई दे नहीं या हम काम भी नहीं कर पाएंगे तो भी हम दवा के लिए ले सकते हैं, उसमें से खर्चे के लिए रख सकते हैं, उसीलिए महिलाओं भी सोच सकती है कि हमको अगर सरकार देगा तो हम भी अपना, कोई नहीं देगा तो बच्चों को भी पाल सकते हैं, अपने आप को भी पाल सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, किसी से मांगने कर्ज उधार करने के लिए नहीं है। इससे समाज में क्या बदलाव आएगा एक महिला के लिए? अगर ऐसा हो जाता है तो महिला बहुत आत्मनिर्भर करेगी, बहुत सुकून उसको महसूस होगा, कि ये होगा कि कुछ कमाएंगे, कुछ सरकार दे रहा है तो इससे हम अपने बच्चे का अपना पालन करेंगे और किसी से भीख नहीं मांगेंगे, खुद का कुछ बना सकते हैं। इसी तरह अगर सरकार एकल महिलाओं के साथ में अगर कुछ बर्ताव अच्छा करे
या कोई अच्छी जॉब निकाल दे या फिर जॉब में आरक्षण कर दे कि जो एकल महिला हैं उनको आरक्षण है वो कर सकती हैं, तो शायद मायके वाले ससुराल वाले उसका ज़रूर जिम्मेदारी उठाएंगे कि यार ये तो कमाएगी और चार पैसे लाए घर में। तो सरकार की भी जिम्मेदारी, जिस तरीके से हम अपने मायके और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उस तरह एक एक स्तंभ सरकार भी है, जो कि सरकार वैसे तो महिलाओं के लिए बहुत सारी ये योजना है, ये 181 नंबर, 100 नंबर, फलाने नंबर, इतने सारे नंबर कर रखी है पर उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जिस समय औरत को मारा जाता है उस समय कोई नंबर नहीं काम आते हैं। इसी तरह जो है सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, योजनाएँ बनाती है, मुद्दे बनाती है, लेकिन एकल महिलाओं के बारे में उनको सोचना चाहिए कि ये भी एक महिलाएँ हैं और इनके लिए भी कुछ रोज़गार दें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जैसे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, लेकिन कहीं पर भी महिला एकल जो होती हैं, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो एकल हैं, उनके लिए किसी तरह की योजना का कोई आदेश नहीं रहता या कोई भी योजना नहीं है। महिलाओं के लिए जो भी जनधन के खाते खुले थे पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी महिलाओं के जनधन के खाते खुले थे, उन जनधन के खातों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके खातों में 500 रुपये से 1000 रुपये तक अभी देने का काम किया है। हमारी जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह बना करके उनको बैंक फाइनेंस दे रहा है, कारोबार करने के लिए, छोटे उद्योग लगाने के लिए, छोटे कारोबार करने के लिए, गांव में स्वयंसेवी संस्थाएं बना करके वह महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं, टोली बना करके छोटे छोटे कारोबार कर सकती हैं। जो घरों में फुर्सत बैठी रहती हैं, जब काम नहीं होता, काम जिस टाइम में काम है खेती किसानी का, उससे हट करके जब सुबह शाम का काम होता है उस टाइम में हमारी आत्मनिर्भर बन करके महिलाएं हमारी स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। ये मोदी जी ने, हमारी सरकार ने उनको एक मौका दिया है, हर महिला को सशक्त बनाने के लिए अवसर दिया है। ये नहीं था, ये तो योजनाएं हैं जो एकल महिला होती हैं, जो डिवोर्स्ड होती हैं या महिलाएं शादी नहीं कर रही हैं, अकेली रह रही हैं, उन महिलाओं के लिए किस तरह की योजना है? ये जो विडो हैं तो विधवा के लिए तो विधवा पेंशन है। जो डिवोर्सेड हैं, जो तलाकशुदा हमारी महिलाएं हैं, तो तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में भी अगर वो कहीं पर परेशान है, तलाकशुदा है, उनके पास कोई नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को भी जो बेसहारा महिला है, तो विधवा के अलावा जो तलाकशुदा है, तो एक तरह से मुझे लगता है कि उनको भी जो पेंशन की योजना है उसमें शामिल किया गया है। और पेंशन में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये तीन पेंशनें लागू हैं। और अगर वो पात्रता की सूची में गरीब महिला है, बेसहारा है, तो निश्चित तौर पर उसको पेंशन देने की योजना में उसी में शामिल किया जा रहा है। विधवा पेंशन जब मिलेगी? जब वो विधवा होगी, अगर डिवोर्सेड है तो उसको नहीं मिलेगी, और अगर वो 60 साल की होगी जब उसको वृद्धा पेंशन मिलेगी, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकार ने उनके लिए कोई योजना बनाई है। मैं इसकी जानकारी और करूँगा, अगर इस तरह से अगर कोई परित्यक्ता है, कोई महिला वही जवान है और वो वृद्ध नहीं है, वो उस क्राइटेरिया में भी नहीं है क्योंकि विडो नहीं हुई है, उसने तलाक किया है, तो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, जैसे तीन तलाक का भी प्रकरण था, तो इसीलिए तीन तलाक को ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। तलाक 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 तीन बार तलाक करके और किसी भी महिला को छोड़ देना, उसको फिर ना विडो कही जाएगी, ना कहीं वो अगर कहीं नहीं वो कर रही, फिर किसी के साथ नहीं निकाह कर रही, अपना जीवन गुजारना चाहती है, वैसी महिला के का भी शोषण होता था, इसीलिए तीन तलाक का प्रकरण ला करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उन महिलाओं को संरक्षण देने का काम किया है। लेकिन अगर पूर्व से ऐसी महिलाएं हैं जैसे आप बता रही हैं कि उनके उनको परित्यक्ता है, पति को छोड़ चुकी हैं, तलाक हो चुका है और वो उसने दूसरा निकाह कहीं नहीं किया, शादी नहीं किया है, तो ऐसी महिलाओं को भी मुझे लगता है संरक्षण देने का काम हमारी सरकार करेगी, नहीं कर रही तो ये मुद्दा मैं अपनी सरकार के समक्ष रखती हूँ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।